हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्षा बोरा व्लॉग्स में। आज हम लोग जा रहे हैं जनेऊ संस्कार में, जो कि हल्द्वानी में है और हल्द्वानी यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। तो मम्मी और मैं और मेरे साथ लक्ष्य जा रहा है। मैं भी अब बाहर आ चुकी हूँ जाने के लिए, लेकिन लवे पीछे पीछे आ गया था मेरे और बहुत ज़्यादा रो रहा है, जाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। पिछली 2-3 बार यही गया है हमारे साथ, जब भी हम कहीं गए हैं लक्ष्य को नहीं ले गए थे, तो इसलिए इस बार मैं लक्ष्य को ले जा रही हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो अभी हम लोग चुपचाप से निकलते हैं और इसे बुआ या मेघा को देंगे। तो लक्ष्य भी हो चुका है हमारा रेडी। लक्ष्य चले चले चलो चलो भागे। मेघा बहुत ज़्यादा खुश है लक्ष्य, क्योंकि आज हम इसको लेकर जा रहे हैं। मेघा कौन? बुआ यहाँ पर नहा धोकर कपड़े वपड़े डालने गई हुई थी। बुआ की जिम्मेदारी है अब लव्य को देखना। बुआ उसको उस तरफ ले जाओ। अब बिल्कुल नहीं, लड्डू मिलेगा बाबू को। ची लाऊंगी तेरे लिए, ची लाऊंगी बाबू। बाबू रो मत ऐसे। बुआ उधर घुमा लाओ, बुआ उधर घुमा लाओ, इसको घुमा के लाना। हाँ बाबू को, हाँ रो मत। चलो फटाफट से। रोड पर आते ही तुरंत हम लोग को ऑटो भी मिल गया था, तो अभी हम लोग हो चुके हैं बस अड्डे के लिए रवाना। और बट बस अड्डे से लेंगे हम लोग गाड़ी। तो अभी हम लोग ऑटो से उतर चुके हैं और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम लोग को वहां से मिलेगी बस। तो अभी हम लोग जाएंगे यहां से बस से। अभी हम लोग बैठ चुके हैं बस में और मम्मी को तो अजीब सी स्मेल भी आ रही है, क्योंकि बस में बैठने में थोड़ा सी अजीब सी स्मेल भी आती है। तो जैसे ही हम लोग बस अड्डे पे पहुँचे वैसे ही बस लगी हुई थी, तो ये बहुत अच्छा हो गया, वरना बहुत देर तक वेट भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। बट हमारी किस्मत अच्छी थी तो बस हमें मिल गई। तो गाइस अब बस निकल चुकी है रुद्रपुर से हल्द्वानी के लिए और घंटे भर में ही हम लोग हल्द्वानी में होंगे। अब हम लोग हल्द्वानी तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी आ रही हूँ, मम्मी भी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से करेंगे उन्हें कॉल और उसके बाद पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना है और हम लोगों ने कॉल भी लगाया था, बट उससे पहले ही मम्मी के कोई रिलेटिव्स हैं, वो मामा मामी लगते हैं हमारे, तो वो मिल गए थे हमें, बाय चांस हम लोग को मिल गए, तो हम लोग पहुंच गए उनकी वजह से यहां पर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कॉलोनी में, तो चलिए अंदर चलते हैं और फंक्शन का मजा लेते हैं। फोन आया उनका। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर में जहां से हमें निमंत्रण आया था। जैसे ही हम लोग अंदर पहुंचे थे वहां ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए थे और सभी लोग मम्मी के रिलेटिव्स एंड पहचान वाले थे, लेकिन मेरी पहचान का कोई भी नहीं था वहां पर। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि मम्मी अपने मायके ही पहुंच गई हैं। तो मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी सभी से मिलकर। और ये है मम्मी की बहन जिनके यहाँ आज फंक्शन है और आज इन्हीं के नाती का जनेऊ संस्कार है। और ये है उनका नाती जिसके आज जनेऊ संस्कार के फंक्शन में हम लोग आए हुए हैं। तो जनेऊ संस्कार में भी लेडी संगीत का फंक्शन होने लगा है, तो यहाँ पर बगल में ही लेडी संगीत का फंक्शन चल रहा है, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों यहाँ पार्टी में तो मेरी पहचान का कोई नहीं आया है, लेकिन यहाँ आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद मैं किसी पार्टी में आई हूँ। और अब यहाँ पर मम्मी को टीका लगाया जा रहा है, मम्मी के बाद अब मुझे यहाँ लग रहा है टीका, और इसके साथ साथ मुझे एक लिफाफा और मिठाई का डब्बा भी मिला। और अब यहाँ पर शुरू हो चुका है लेडी संगीत का फंक्शन और सभी लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। इन सभी लोगों को यहाँ डांस करता हुआ देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा डांस करूं, बट मेरी पहचान का यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे झिझक हो रही है। और यहाँ पर किया गया है खाने का अरेंजमेंट और खाना चालू भी हो चुका है,
तो अभी हम लोग भी आ चुके हैं खाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है तो आराम से खाया जाएगा। तो अभी हम लोग खाने के लिए आ तो चुके थे, लेकिन लक्ष्य परेशान करता है, इस वजह से हमने पहले डिसाइड किया कि वन बाय वन करके हम लोग खाएंगे। तो इसलिए मैंने मम्मी से बोल दिया था कि पहले आप खा लो, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। खा के फिर हमें टाइम से निकलना भी है, ताकि हम लोग अपने घर पर टाइम से पहुँच सकें। तो अब मैं भी यहाँ पर अपना खाना ला चुकी हूँ, तो चलिए खाने को इंजॉय करते हैं। तो अब हम लोग खाना खा चुके हैं, और खाते समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, इस वजह से अभी हम लोग छाँव में बैठे हुए हैं। और अब आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी जगह नहीं है खड़े होने की और बैठने तक की। तो अच्छा हुआ हम लोगों ने टाइम से खा लिया। तो अभी हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं आराम से कॉफ़ी। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पर। तो फाइनली मिल गई है हम लोगों को बस।